में निकलती है फास्फेट के रूप में। यही ऊर्जा आकर के बच्चों ये जो फास्फेट है यही ऊर्जा के रूप में जो है यहां आकर के जुड़ता है आईपी और बन जाता है बच्चों एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। और इसके पश्चात जब हमारी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी से जो है ये फास्फेट निकलता है और निकलने के पश्चात ये फिर एडीपी बन जाता है। अब आप जाने यहाँ पर कि एडिनोसिन डाइफास्फेट, डाई माने दो, यहाँ पर फास्फेट के दो हैं, एक जुड़ रहा है तो हो गया तीन, इसलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफास्फेट कहा गया। फिर इसमें जैविक क्रियाओं के लिए जब ऊर्जा निकली तो फास्फेट निकल गया इसमें से, तीन में से निकल गया तो फिर दो बन गया और इसलिए इसको एडीपी कहा गया। ये एटीपी में ऊर्जा संचित है, ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता रहता है, इसलिए एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का भी कहते हैं, एनर्जी का ब्रोकर भी कहते हैं, यानी ये एनर्जी की मध्यस्थता हमारी जैविक क्रियाओं के लिए करता है, हमेशा ये संचालित करता रहता है, इस प्रकार से ये ऊर्जा का संचालन करता रहता है। जैसे आप देखे होंगे पावर हाउसों से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा आती है, ट्रांसफार्मर के बाद आपके घरों में लाइन आती है और वहाँ जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तैसे आपके उपकरण चलने लगते हैं तो ऊर्जा प्रदान करता रहता है। उसी प्रकार से ये एटीपी जो है ये एज ए ट्रांसफार्मर की भी भांति व्यवहार करता है, ये हमको लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहता है और हमारी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से जो है ये माइटोकांड्रिया का पूरा कारण। अब अंत में आता है कि माइटोकांड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकांड्रिया का कार्य आप देख लिए कि ऊर्जा का प्रदान करना, इसलिए माइटोकांड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि हमारे हमको ये जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक बिंदु बच्चों यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए वो बिंदु क्या है। आपको हमने बताया फास्फेट, यहां आप देखिए फास्फेट आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये जो फास्फेट का संबंध हो रहा है इस संबंध को हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन, फास्फो माने फास्फोरस, रिलेशन माने होता है संबंध, यानी फास्फोरस का यहां संबंध हो रहा है इसलिए यह क्रिया फास्फोरिलेशन कहलाती है। तो एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों कि फास्फोरिलेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप लिखेंगे माइटोकांड्रिया। आज के इस पूरे प्रकरण में आपको पूरा बताया गया इसके बारे में। अगर इसके बावजूद भी बच्चों यदि आपको कहीं कोई थोड़ी बहुत समस्या आती भी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके जो है अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।